Come on, buddy. Cheer up. You know what? दुनिया कहती है कि सबको करण जैसा होना चाहिए. But I'll tell you what. You should be like me. Carefree. एक मिनट. तू ये मेरी जैकेट पहन. Now that's like Ronnie. करण, I'll see you in a while. Okay? तो यहीं बैठना. आप लोग यहाँ बातें कर रहे हो? मेरा भाई वहाँ है। देखिए आप हमें अपना काम करने दीजिए। अरे काम ही तो नहीं कर रहे आप लोग। ये देखो कितना खून निकल रहा है मेरे भाई का। देखिए आप मेरी बात तो सुनिए। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना Thank you.
देखिए मेरा भाई ना मेरी जान है, काज निकल है। देखिए बेहतर होगा आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाइए। तुम अपना काम करो, मैं अपने भाई के पास बैठूंगा। ओके कम ऑन नाउ, गेट टू वर्क, गेट मी द ट्रॉली, गॉज, स्केपल्स एंड चेक हिज ब्लड प्रेशर। हरी अप, हरी अप। या ओके मोहिते पाटिल, अंधेरी मुलुंद खेरवाड़ी ताबड़तोब नाकाबंदी करा आणि चेक करू। दो घंटे से तुमने कुछ नहीं किया, अब मैं करता हूं। देखो तुमको शेट का ताकत दिखाता है, अभी इसका पूरा खानदान कटेगा। तुम लोग ढूंढो, लड़के फैलाओ, मुझे वो चाहिए। जाओ संजू मोंटी, तुम लोग कॉलेज जाके आए, मारा मारी करके आए ना तुम लोग। मालूम है किसके भाई को फोड़ा तुम लोगों ने? हाँ मालूम है, उस साले रॉनी को, अर्जुन राणा के भाई को। क्या बक रहा है तू? मैं बक नहीं रहा हूँ यार मोंटी, गलती से तुम लोग करण को रॉनी समझ के फोड़ के आए। वो अर्जुन राणा का छोटा भाई है। और संजू अभी क्या करेंगे हम लोग? देख लेंगे। अर्जुन साहब बाहर कुछ इंस्पेक्टर्स आए हैं, मैं उन्हें अंदर भेज नहीं सकता हूं, तो आप या खबर देते रहो मुझे। ओके हाँ कदम पता चला। भाई बाहर क्राउड की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप जरा बात करो ना कमिश्नर साहब से प्लीज। भाई वो लड़के भेज दिए, जाएगा कहाँ बच के? मिल जाएगा। अरे अरे मैं अपना छोकरा लोग बराबर ढूंढ के लाएगा उसको। भाई सारा इंतजाम हो गया, हर तरफ नाकाबंदी हो गई, वो छोकरा बच नहीं पाएगा अभी। हाँ बस बात कर लो। तुम चाहते हो मैं क्राउड कंट्रोल करूं? तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। अरे किससे? तेरा भाई है ना, चला बैठ। बिंदिया डर मत, देख मैं करण की चोट बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे ये आंसू नहीं। सब ठीक हो जाएगा बिंदिया। रोमत चल पानी पी। अब वो लोग रोएंगे, देख तेरा भाई उन लोगों के साथ क्या करता है। हड्डियां तोड़ दूंगा उन सबकी। भैया मुझे आपसे डर लग रहा है। सच भैया मुझे बहुत डर लग रहा है आपके गुस्से से। बाहर बहुत कुछ हो चुका है, लोगों पे गलत इल्जाम लगा के मारा जा रहा है, और अब नीचे हजारों लोग खड़े हैं जो आपके एक इशारे पे जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं रखेंगे। एक दिन आप ही ने मेरे और करण के तोहफे में जमीन और आसमान का फर्क दिखाया था ना, है ना? वो जमीन और आसमान मिल गए, मिल गए वो जमीन आसमान। कॉलेज में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, वो सब जानते हैं, सिवाय आपके भैया। असलियत अब नहीं जानते। मुझे डर है कहीं आप गुस्से में। Yeah.
देख लिया अर्जुन, अब क्या सोचता है? तो अपने जिस रंग को छुपाना चाहता था उसने बिंदिया जैसे मासूम के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। तुझे आज बहुत दिनों बाद गुस्सा आया है, अपने गुस्से पर काबू रख। वैसे भी तेरे कुछ न करते हुए बहुत कुछ हो गया है, अब तेरा एक इशारा और चारों तरफ बर्बाद है। रोक दे सब कुछ, अगर तू फिर भी नहीं रुकता तो शायद बिंदे ने ठीक ही कहा है, मिल गए जमीन आसमान, बदल गया है तू अर्जुन। नहीं, नहीं मिल सकते जमीन और आसमान। बिंदिया, आज भी तेरा भाई वही है। जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, उसी तरह कसूरवार और बेकसूर भी एक नहीं हो सकते। बाबा आप ही बताइए, ये किस तरह की ताकत है जिसके होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ना शहर में आग लगा सकता हूं, ना बेगुनाहों का खून बहा सकता हूं, ना अपने भाई का खून देख सकता हूं, और ना ही बिंदिया की आंखों में आंसू देख सकता हूं। लेकिन हमारी दुनिया के असूल जो आप ही ने बनाए हैं, वहां गुनहगार को माफी नहीं है। मैं मार दूंगा उसे। संजू हमारी बात समझने की कोशिश करो बेटा। अरे समझ ही तो रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ साला बहुत पैसा वाला है, उसकी पहुंच बहुत ऊंची, उसका वार भी बहुत ऊंचा है, लेकिन बुजदिल नहीं हूँ मैं। बात कायरता या बुजदिली की नहीं है, बात है समझदारी की। अर्जुन शेर है क्योंकि उसे मैंने पाला है। वो जब भी आएगा शेर की तरह धाड़ मार के आएगा, लोमड़ी की तरह नहीं। वही तो कह रहा हूँ मैं चाचा। तो हम सबकी भलाई के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा? देखो बेटे, अगर तुम यहाँ नहीं होगे ना तो हम सब मिलके उसे संभाल लेंगे। हाँ बेटे, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ होगे तो जज्बात की रौ में बह के कुछ भी हो सकता है, और फिर हमारे लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा बेटे। वो लड़के को पता चल गया भाई, उसका नाम संजू है और वो सूरज नगर में रहता है भाई। मगर वो बस्ती वाले कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है भाई। एक अरसा हो गया अर्जुन से मिले हुए, हो सकता है बदल गया हो। अजीब सा लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि कई साल बाद मैं आया हूं यहां पर। अपनापन महसूस नहीं हो रहा मुझे। कनी चाचा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं यहां पर आप लोगों को धमकाने नहीं आया, अपनों से मदद मांगने आया हूं। अर्जुन बेटा, यहां जब एक घर में चूल्हा नहीं जलता ना तो 10 घर से रोटी आती है। कोई शख्स बीमार हो जाए तो तमाम बस्ती के लोग मिलके उसकी तीमारदारी के लिए रात रात भर जागते हैं, और ये उसूल हमारे बनाए हुए नहीं है। ये उसूल तुम्हारे बाबा के बनाए हुए हैं जो सूरज नगर में आज भी जिंदा है। हो सकता है उसूल जिंदा है, लेकिन आप सबके दिल मुर्दा हो चुके हैं। नहीं तो मेरे साथ ये परायपन क्यों? मानता हूं मैं यहां नहीं रहता, लेकिन हूं तो यहां का ना। कपड़े बदलने से इंसान बदल नहीं जाता। मुझे पता नहीं मेरी पैदाइश कहाँ की है, लेकिन जब से बाबा ने मुझे गोद लिया, यहीं घर पाया आप लोगों के बीच, इसलिए आप लोग और ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। बाबा की यहां पर यादें हैं। कनी चाचा, मुझे निराश मत कीजिए। वो लड़का मुझे बता दीजिए
में कुछ बोलता क्यों नहीं? भाई अब बोलो, पूरा बस्ती का बस्ती जला के राख कर देता है। वाह बहुत खूब, घर बसाने वाले खुद ही घर उजाड़ने आ गए। चलिए आज ये भी देख लेते। आवाज निकली खुद पर आई तब, ये करण की बदकिस्मती है कि वो यहाँ पैदा नहीं हुआ, आपके आंगन और आपकी गोद में खेला नहीं, इसलिए आप लोगों को उसके दर्द का एहसास नहीं है। अभी आपने बाबा का नाम लिया जिनके नाम पर ये बस्ती है। अरे सूरज नाम को मैं कभी अंधेरे में छुपने नहीं दूंगा, वरना 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगते, यहाँ पर मौत का सन्नाटा चीखता, ये पूरी आबादी बर्बादी में नजर आती। ये मेरी बदकिस्मती है और उस बुजदिल की खुशकिस्मती कि ऐसी हरकत करने के बाद वो जो सांसें अब ले रहा है वो मेरे बाबा के नाम की भीख है। लेकिन वो बचेगा नहीं, नहीं बचेगा वो। अफसोस है आप लोगों के साथ जो तजुर्बा हुआ ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। एक मिनट अर्जुन बेटा, हमारे दिल में तुम्हारे लिए आज भी उतना ही प्यार है, और बात अपने और पराए की नहीं है बेटा, बात है सही और गलत की। और सही ये है कि भाई उसका भी जख्मी हुआ है, चोट उसे भी लगी है। अरे संजू ने भी वही किया था जो तुम आज करने आए थे। हमने तो सुना था कि हमारा अर्जुन ईमान और सच्चाई का पक्का है, वो सच के लिए अपनी जान भी दे सकता है, मगर आज काश सूरज सब जिंदा होते।